अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल कॉर्ड्स विद तारिक खान। आज जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं ये स्ट्रिंग्स बैंड का एक बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल सॉन्ग है जिसका टाइटल है सोनिया बाय बिलाल मकसूद। नो डाउट के बिलाल मकसूद ने ये बहुत ही ज़बरदस्त गाया है और मुझे इसकी रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी, इस वजह से मैं इसका लेसन कर रहा हूँ और मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है ये, इस वजह से मैं इसका लेसन आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम कॉर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। जो ओरिजिनल कॉर्ड्स इस गाने में प्ले की गई हैं वो टोटल हैं 5। सबसे पहली कॉर्ड है सी मेजर, सेकेंड कॉर्ड इज डी मेजर, थर्ड कॉर्ड इज जी मेजर, फोर्थ वन इज ए माइनर एंड लास्ट वन फिफ्थ इज ई माइनर। ये 5 कॉर्ड्स पूरे गाने में चलानी है आपने। 5 कॉर्ड्स ओपन पोजीशन पर हैं, कोई बार कॉर्ड अप्लाई नहीं होगी, कोई आपने कैपो नहीं लगाना, जस्ट जिस तरह से मैं प्ले कर रहा हूँ इसको बिल्कुल उसी अंदाज में आप लोगों ने भी प्ले करना है। सो फ्रेंड्स, गाना जो स्टार्ट होता है वो इस अंदाज में है। चंदा देखे चुप जाए, भवना देखे जल जाए, दिल ये चाहे तू ना जाए, कोई से समझाए, रातों की निंदिया तू ही है, मंजिल का रास्ता तू ही है, दिल ये चाहे समझाए, ना 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 मेरी सोनी है, ओ मेरी सोनी है, हे हे ना 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 मेरी सोनी है, ओ मेरी सोनी है, हे हे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक इसका कोरस पार्ट कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद जो इसका फर्स्ट वर्स आएगा उसको भी बिल्कुल आपने इसी पैटर्न के ऊपर रखना है जिस तरह से अभी मैंने प्ले किया है। जान ले गई मुस्कुरा के, आंचल से मुंह को छुपा के, दिल ये चाहे तू ना जाए, कोई से समझाए, राजा हूँ तेरा मेरी रानी, तेरा दीवाना ओ दीवानी, दिल ये चाहे तू ना जाए, कोई से समझाए, ना 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 मेरी सोनी है, ओ मेरी सोनी है, हे हे पे तुझको सितारों ने देखा, मौजों को जैसे किनारों ने देखा, फूलों को जैसे बाहरों ने देखा, नजारों ने देखा, बाहरों ने देखा, धरती पे तुझको सितारों ने देखा, नजारों ने देखा, बाहरों ने देखा, यहां तक इसका कोरस पार्ट, सेमी कोरस, वर्स सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल इसका जो एंडिंग पार्ट आता है उसको प्ले करने के लिए आपने उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में प्ले करना है और इसी तरह से रखना है जिस तरह से मैं प्ले कर रहा हूं। चंदा देखे बवरा देखे जल जाए, दिल ये चाहे
से समझ आए ना 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 मेरी सुनी है ओ मेरी सुनी है हे हे ना 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 मेरी सुनी है ओ मेरी सुनी है हे हे ना 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 मेरी सुनी है ओ मेरी सुनी है हे हे ना 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 मेरी सुनी है ओ मेरी सुनी है हे सो फ्रेंड्स यहां तक ये कंप्लीट सॉन्ग डन हो गया। अच्छा अब इसके स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ मूव करते हैं हम। जो इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है वो बड़ा सिंपल सा मैंने प्ले किया है। चंदा देखे जल जाए मैं बिल्कुल स्लो प्ले कर दिखाता हूं आपको। फिर जो इसका ना 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 वाला पार्ट आता है उसमें भी इसी अंदाज में हमने प्ले करना है। मैं म्यूट प्ले करके दिखा देता हूं एक दफा आपको। पूरे गाने में ऑलमोस्ट मैंने यही स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को हमेशा अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि अपना स्ट्रमिंग पैटर्न आप खुद से प्ले करना सीखें, क्योंकि हर शख्स का एक डिफरेंट अंदाज होता है प्ले करने का। तो अगर यही गाना स्ट्रमिंग पैटर्न को आप छोड़ें और जस्ट कॉर्ड्स अप्लाई करें एक्चुअल, तो आपको यही गाना जो है वो सेम फील देगा। यानी आप ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करें, जस्ट आप कॉर्ड्स की जो शिफ्टिंग है उसके दौरान किस तरीके से उसको शिफ्ट करना है उसको फोकस आउट करें। और अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से इसको विदाउट स्ट्रमिंग पैटर्न आप प्ले कर सकते हैं। चंदा देखे जल जाए, भवरा देखे चुप जाए, दिल ये चाहे तू ना जाए, कोई से समझाए। तो अगर आप स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको कॉर्ड्स जो है वो बिल्कुल कभी समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश अपनी यही करें कि स्ट्रमिंग पैटर्न को थोड़ा इग्नोर किया करें और जो
आपका स्ट्रमिंग पैटर्न अपना कुछ भी है, चाहे वो डाउन अप डाउन अप डाउन अप ही है, तो उसके ऊपर भी जस्ट अपनी कॉर्ड्स शिफ्टिंग जो है वो प्रॉपर रखें। सो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रिंग्स के सॉन्ग सोनिया का कंप्लीट गिटार लेसन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को और मेरी उन तमाम वीडियोस को जो मैंने अब तक अपलोड की हैं, अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गिटार प्ले करना चाहते हैं या फिर जो गिटार प्ले करना जानते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हों उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक गिवन हैं, उनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। सुपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।